दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। छोटे वीडियो वाली सीरीज का ये वीडियो है। बहुत छोटे, बहुत कम टाइम के वीडियो में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैस क्यों बनती है। यदि आप इसका कारण जानते हैं तो आज इस कारण को रिफाइन कर लीजिए, और कुछ और बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं पेट में बनने वाली गैस को लेकर। आपके दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल करने वाले सवाल होते हैं। वो सवाल ये होते हैं कि पहला सवाल जो है कि क्या बहुत ज्यादा गैस बनना किसी बड़ी बीमारी का संकेत है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या पुरुषों में ज्यादा गैस बनती है, महिलाओं में कम। तीसरा सवाल होता है कि क्या मुझे जो गैस बन रही है या गैस बनते आ रही है या अक्सर गैस बन जाती है, तो मैं किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हूं या मेरी आंतों में कोई बड़ी बीमारी है या लीवर में कोई समस्या है, बड़ी बीमारी है। और ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं, पेशेंट से ये पूछते हैं कि गैस बनने की वजह से कोई कैंसर होता है क्या, या ये जो गैस मुझे बन रही है, मुझे गैस ज्यादा बनने की वजह से कैंसर हो जाएगा क्या। तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि गैस आखिर बनती क्यों है। गैस इसीलिए बनती है कि जो भी आपने खाया उसे आपका पेट पचाएगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट वाला वीडियो है और बहुत सीधे और सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, छोटे से कम समय में। जो आपने खाया वो आपके पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद आपका जो आमाशय है, आमाशय में एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से ज्यादातर पेट की बीमारियां होती है, या ये कहें कि केवल यही वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। तो यदि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है तो आपको एसिडिटी हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है और पेट की बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं, या आपको अल्सर बन रहा है या गैस्ट्राइटिस डेवलप हो रहा है, तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है। ये भी एक कारण है आपकी गैस बनने का, पर ये वो कारण नहीं है जो मैं बता रहा हूं। मुख्य कारण गैस बनने का है बहुत सामान्य। गैस बनना एक आम बात है, ये कोई बीमारी नहीं है। आज से ही इस बात को नोटिस कर लीजिए और गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि खाना जब आपके पेट में जाता है तो आपकी आंतों में जाने के बाद आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो आंतों में खाने को पचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स के रूप में ऐसी बहुत सारी शर्कराएं या शक्कर के रूप में हमारे खाने को पचाया जाता है। पचाने के बाद जब इसमें से बाई प्रोडक्ट निकलता है वो होती है गैस। चूंकि जो गैस निकल रही है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रही है, इसका मतलब ही है कि खाने में ऐसा कोई पदार्थ आया जिसको खाने को जिसको शरीर पचा नहीं पाया उस खाने को। हो सकता है कि आपसे दूध है जो आपकी बॉडी में नहीं पचता ठीक से, दूध का प्रोटीन आप नहीं पचा पाते। हो सकता है कि आपने हरी सब्जियां या सैलेड या फ्रूट्स इस तरह की चीजें बहुत कम खाई हो और आप जंतु प्रोटीन मतलब एनिमल प्रोटीन पे ज्यादा हैं, जैसे कि एग वगैरह हो या बीफ हो या मांस हो या किसी भी तरह का ऐसा चीज जो नॉन वेजिटेरियन आइटम है। वेजिटेरियन खाने वालों को गैस कम बनती है, नॉन वेज खाने वाले थोड़ा सा ज्यादा गैस से परेशान होते हैं। इसका भी एक रीजन ये है क्योंकि मसाला ज्यादा होता है। इससे ऐसे ना लें कि नॉन वेज खाएं और ना खाएं और वेज खाएं, ऐसे कॉन्ट्रोवर्सियल मैटर पे ना फंसे। यदि गैस बन रही है तो इसका मतलब है बॉडी में चीजें आपके पेट में जाकर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। हो सकता है आप पानी कम पीते हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, इसलिए खाने के पीसेस को आपने तोड़ नहीं पाया ठीक से या चबा नहीं पाए, उस वजह से भी गैस बन सकती है। हो सकता है आपको कई सालों से कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन हो, उसकी वजह से भी आपको गैस बन सकती है, क्योंकि लैट्रिन आपके आंतों में लंबे समय तक पड़ा रहता है और कोई भी चीज जब लंबे समय तक पड़े रहेगी तो सड़ेगी और उसमें से बदबू आएगी। हो
हो सकता है आपने बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाई हैं, सल्फ्यूरेटेड कंपाउंड हो जिसकी वजह से सल्फाइड की स्मेल आती है, वो उसी तरह की जैसे नाली से बदबू आती है वैसे ही हमारी पेट की नाली जो है उसमें भी ऐसा ही होगा, तो सल्फ्यूरेटेड स्मेल आएगी। तो ये सारे कारण जो होते हैं वो गैस बनने के हैं। कुछ और भी कारण हैं जिसमें ये पता चलता है कि आपने कुछ सब्जियां खाई, जैसे ब्रोकली हो गया या गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, पत्ते वाली गोभी हो गया या बीन्स हो गई, जो आप नहीं पचा पाते उसकी वजह से भी लैक्टिन कड़ा होता है और गैस बनती है। तो गैस बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट भी एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप पचा ना पाए तो भी गैस बनती है। आप लंबे समय तक सिटिंग वाला जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं, गैस बनना आम बात है। चूंकि हम कभी किसी से ये डिस्कशन नहीं करते कि आपको गैस पास होती है नहीं होती, आप कभी भी आम तौर पर किसी से भी गैस के बारे में डिस्कस नहीं करते कि भाई तुम्हारी गैस पास होती है नहीं पाती, क्यों पास होती, क्योंकि ये मैटर डिस्कशन का होता नहीं, हमें शर्म आती है। दूसरी बात ये कि हम कभी भी किसी से ये नहीं बात करते कि तुम्हारी गैस कम पास होती है, ज्यादा पास होती है, सुबह पास होती है, शाम को पास होती है, रात को होती है, सुबह दोपहर होती है, हम कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। इवन जब हम अपने डॉक्टर्स से भी मिलते हैं तो भी हम इस बारे में बात करने से शर्माते हैं। शर्मिंदा मत होइए, आपको जो तकलीफ है या आपकी जो जीवन शैली है उसके बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में अपने डॉक्टर से बात कीजिए ताकि वो आपको सही सलाह दे पाए, सही तरीके से सलाह दे पाए और सही दवाइयां बता पाए। गैस क्यों बनती है उसके बारे में ये वीडियो है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, लूज मोशंस के बारे में और ऐसी बहुत सारी पेट की समस्याओं के बारे में ऑलरेडी वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा और उनकी दवाइयों के बारे में, उनको ठीक करने के बारे में, उन बीमारियों के बारे में सारी बातें डिस्कस की गई है। जरूर वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एक बात और जो मैंने पहले बताया कि लोग ये समझते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम गैस बनती है, पुरुषों में ज्यादा होती, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक कॉमन समस्या है, सभी में होती है, बच्चों में भी पाई जाती है, बुजुर्गों में भी है, पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है। कुछ और चीजें हैं जैसे किसी की गैस में बहुत ज्यादा बदबू होती है तो ये फर्मेंटेशन पे डिपेंड करता है कि खाना ठीक से पचा या नहीं पचा, या खमीर उठना जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन की, वो प्रोसेस ज्यादा हो गई। आपने पानी ज्यादा पी लिया बहुत तेजी से तो भी गैस चली जाती है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया आपको गैस बन सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। अब ये कारण जिसकी गैस बनती है बहुत ज्यादा तो कैंसर होगा या मुझे कोई बड़ी बीमारी है, तो बिल्कुल भी मैं इस बात से डिनाय करता हूं आपको कि आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि गैस बन रही है मुझे तो मुझे कोई बड़ी बीमारी है या मुझे कोई कैंसर है। लेकिन यदि ये कई सालों की आदत बन गई है तो फिर आपको अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को या जिन्हें आप पेट के विशेषज्ञ कहते हैं उन्हें आप दिखा के इंडोस्कोपी जरूर करवाएं। इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी एक मुंह से होती है और एक लैटिन की जगह से होती है, तो दोनों जगह से इंडोस्कोपी होती है और एक कोलोनोस्कोपी होती है, कोलोन में जाता है आपकी बड़ी आंत में और इंडोस्कोप आपकी छोटी आंत में जाता है और आपके आमाशय में जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस डॉक्टर्स करके आपको चेक करके बताते हैं और आपको यदि लंबे समय से तकलीफ है तो बिल्कुल जाकर चेक करवा लेना चाहिए, आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई समस्या हो उससे पहले आपको पता चल जाएगा। आशा है वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है तो पसंद आया होगा। और गैस की समस्या क्यों होती है और दो बूंद कौन सी दवाइयां आपको लेनी जिससे आपकी गैस ठीक हो जाती है जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा और अभी तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।